एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं फूली फूली खस्ता पूड़िया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूड़िया फूलती नहीं। आज मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी पूड़िया भी बहुत ही परफेक्ट होगी और रबर की तरह नहीं बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड विद मॉम्स हेल्दी किचन। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 250 ग्राम और एक मुट्ठी के अराउंड मैंने गेहूं का आटा ऐड किया है। गेहूं का आटा मैंने इसीलिए ऐड किया है ताकि हमारी पूड़िया सॉफ्ट बने। यहाँ पे मैंने एक पिंच के अराउंड नमक ऐड किया है और मैं ऑयल ऐड करने वाली हूँ 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल हमें ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें अब मयाम लगाएंगे। मयाम लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी पूड़िया रबड़ जैसी बनेगी और फूलेगी भी नहीं। जब सूखा मैदा ऐसे हाथ में मुट्ठी की तरह आ जाएगा तब आप समझ लीजिए कि आपका मयाम लगाना हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसका एक आटा गूंध लूँगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी। छोटी छोटी लोइयां हमने काट ली है, अब ऑयल लगा के इसे हम बेल लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, नहीं तो पूड़िया हमारी नहीं फूलेगी। ऑयल गरम करके अब हम सारे पूरियों को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी परफेक्टली फूली है और हमारी सारी पूरियाँ ही फूलेंगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।